फरीदाबाद के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर डीसी विक्रम यादव ने तिवांग अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिवांग की तहसील में आ रहे परेशानियों के समाधान को लेकर निर्देश दिए। डीसी विक्रम यादव ने तहसील में इंटरनेट की सुविधा के लिए BSNL के वो निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली विभाग से भी बिजली की समस्या दूर करने को कहा है। आने वाले दिनों में, और जैसे आज भी देख रहे हैं तो धूप आई हुई है, तो आशा यही है कि मॉइस्चर कम हो जाएगा, परंतु एक आध इशूज़ और हैं जो स्टेट लेवल पे टेकअप कर रखे हैं, तो वो भी जल्दी फॉलोअप करके वो भी इशू रिजॉल्व करवाते हैं। एक बिजली का थोड़ा इशू था, वो SC साहब को कह दिया है बिजली का भी। सर, जिस तरीके से मॉइस्चर की जो समस्या आ रही है, क्या लगता है कब तक खरीदा जाएगा? क्योंकि अभी तक जो मंडियाँ हैं फरीदाबाद की, अभी तक कोई गेहूँ खरीदा नहीं जाएगा। अब जैसा कि जैसे धूप आई है अब एक आध दिनों से, तो आशा यही है कि आगे भी मौसम दिखा रहा है कि बारिश का नहीं दिखा रहा अभी जो फोरकास्ट भी है, तो धूप अगर रहती है तो जल्दी सूख जाएगा और मॉइस्चर लिमिट में आते ही वो शुरू करेंगे। किसान मंडी लेकर पहुंच रहे हैं गेहूँ को, क्या अपील करेंगे उनसे कि वो पहले से सुखा कर लाएँ या फिर यहाँ परेशान होते हैं, दो दो दिन पड़े रहते हैं? तो बिल्कुल ही, क्योंकि मॉइस्चर अगर लिमिट में नहीं आएगा तो फिर एजेंसीज की भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वरना आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाता है फिर। तो इसलिए पहले से ही सुखा लें या फिर यहाँ पे आढ़तियों के पास में ला के वो सुखा ही रहे हैं, और इनको भी आढ़तियों से भी कहा गया झरने वगैरह की व्यवस्था कर लें, बाकी चीज़ें जो पूरी करनी है वो कर लें, तो आशा है कि जल्दी ही खरीद शुरू हो जाएगी। सर, इसके अलावा तहसील का भी दौरा किया, वहाँ भी कुछ खामियाँ मिली, क्या कुछ आदेश अधिकारियों के लिए? वहाँ पर नेट का इशू रहता है तहसील में, तो GM BSNL और जो कंपनीज है नेट के लिए, उनको कह दिया है कि इसमें कोई कमी रहे नहीं। जो कनेक्शन बीच में एक आध बार देखने को मिला कि एक आध दिन तहसील का काम पूरा ही ठप रहा, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, सर्वर डाउन थे, तो वो आगे इशू आया नहीं। तो अभी मैंने शाम को भी एक मीटिंग बुला रखी और GM को भी बुला रखी, तो ये नहीं रहेंगे, और बाकी लोगों के लिए जो सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए।